Assalamu alaikum. Today we will study about the abdominal wall. The abdominal wall encloses the abdominal cavity and is divided into anterior lateral and posterior section. The abdominal wall function is to form a firm, flexible boundary which keeps the abdominal viscera in the abdominal cavity and assist the viscera in maintaining their anatomical position against the gravity. It protects the abdominal viscera from injury and assists in forceful expiration by pushing the abdominal visceras upward, and is involved in any action like coughing, vomiting, defecation that increase intra-abdominal pressure. Abdominal wall abdominal cavity ko surround karta hai, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक को हम एंटीरियर लेटरल और दूसरे को पोस्टीरियर सेक्शन कहते हैं. इस एब्डोमिनल वॉल का फंक्शन होता है कि ये एब्डोमिनल विसरा को अपने एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें, एब्डोमिनल विसरा को प्रोटेक्ट करे. द एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर मेन लेयर्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल नोन एज स्किन, superficial fascia, muscles and the associated fascia and parietal peritoneum. Anterior lateral abdominal wall ke char hisse hote hain, jisko hum skin, superficial fascia, muscle aur parietal peritoneum kehte hain. Superficial fascia is a connective tissue. The composition of layer depends on its location. Above the umbilicus, a single sheet of connective tissue is continuous with superficial fascia in other region of the body, while below the umbilical, it is divided into two layers known as the fatty superficial layer, that is Camper's fascia, and membranous deep layer, Scarpa fascia. The superficial vessels and nerves run between these two layers of fascia. सुपरफिशियल फेशिया कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो लेयर में डिवाइड होता है. अबव द एम्ब्लाइकस सिंगल शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि अदर रीजन्स एब्डोमिन के अलावा बाकी रीजन के फेशिया के साथ मिल जाता है, जबकि बिलो द एम्ब्लाइकस ये सुपरफिशियल फेशिया की कवरिंग दो लेयर में डिवाइड होती है. एक को हम फैटी सुपरफिशियल लेयर कहते हैं या कैंपर्स फेशिया, और दूसरे को मेम्ब्रेनस डीप लेयर कहते हैं, स्कार्पास फेशिया. कैंपर्स फेशिया सुपरफिशियल होता है और स्कार्पास फेशिया डीप होता है. द मसल ऑफ एब्डोमिनल वॉल आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. एब्डोमिनल मसल को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं फ्लैट मसल और दूसरे को हम कहते हैं वर्टिकल मसल. फ्लैट मसल में तीन मसल होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल कहते हैं. जो आपको ये रेड मसल नजर आ रहा है ये है एक्सटर्नल ओब्लिक. ये ब्लैक कलर के रिब्स हैं. एक्सटर्नल ओब्लिक फिफ्थ रिप से ट्वेल्थ रिप पर ओरिजिनेट होके इलियक क्रेस्ट में इंसर्ट होता है. जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये है इंटरनल ओब्लिक. इंटरनल ओब्लिक परपेंडिकुलरली पास होता है एक्सटर्नल ओब्लिक के. ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इलियक क्रेस्ट एंड इज इंसर्टेड इनटू The 10th and 11th, 12th rib. जो आपको लाइट ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ट्रांसवर्सली जो रन कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिनेट होके Z5 प्रोसेस और लीना अल्बा पे अटैच होते हैं. ये तीनों मसल मिलके सेंटर में एक एपिन्यूरोसिस बनाते हैं. एपिन्यूरोसिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीट दैट इज फॉर्म्ड बाय द मसल्स. इस एपिन्यूरोसिस को हम लीना एल्बा कहते हैं
जो कि ज़िफाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम से लेकर प्यूबिक क्रेस्ट तक होता है। द लीना एल्बा इज इन द मिड लाइन। वर्टिकल मसल में हमारे साथ दो मसल होते हैं, एक को हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहते हैं और दूसरे को हम पायरामिडाइलिस कहते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस मसल लीना एल्बा के दोनों साइड पे होता है, विच मीन द लीना एल्बा सेपरेट्स द रेक्टस एब्डोमिनस इनटू राइट एंड लेफ्ट। रेक्टस एब्डोमिनस मसल प्यूबिक क्रेस्ट से अराइज होके ज़िफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब पे अटैच होता है, जबकि पायरामिडाइलिस मसल एक ट्रायंगुलर मसल है जो कि प्यूबिक क्रेस्ट से अराइज होके लीना एल्बा पे अटैच होता है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जिनको हम फ्लैट मसल और वर्टिकल मसल कहते हैं। फ्लैट मसल फर्दर तीन ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक जो रेड कलर का है, इंटरनल ओब्लिक जो ग्रीन कलर का है, दी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जो ये लाइट ब्लू कलर का है, और वर्टिकल ग्रुप में हमारे पास दो मसल होते हैं जिनको हम रेक्टस एब्डोमिनस जो ये पर्पल कलर का है और पायरामिडाइलिस जो ब्लू कलर का है। ब्लैक लाइंस आर द रिब्स एंड दिस इज द इलियक बोन। द मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फ्लैट मसल और वर्टिकल मसल। फ्लैट मसल को फर्दर हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिनको हम एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस कहते हैं। ये तीनों मसल मिल के एक एपिन्यूरोसिस बनाते हैं, जिसको हम लीना एल्बा कहते हैं, मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ओब्लिक इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल फ्लैट मसल इन एब्डोमिनल वॉल। एक्सटर्नल ओब्लिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम 5th टू 12th रिब एंड इंसर्ट इन इलियक क्रेस्ट। द फंक्शन इज कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन ऑफ टॉर्सो। इनर्वेशन इज थ्रू थोरैकोलंबर नर्व्स एंड सबकॉस्टल नर्व। द इंटरनल ओब्लिक लाइज डीप टू एक्सटर्नल ओब्लिक एंड इज स्मॉलर एंड थिनर इन स्ट्रक्चर। ओरिजिनेट फ्रॉम इंग्वाइनल लिगामेंट इलियक क्रेस्ट एंड इंसर्ट इन टू 10 एंड 11th 12th रिब्स। द फंक्शन इज बायलेटरल contraction and compresses the abdomen, while unilateral contraction which is ipsilaterally rotates the torso. The nerves are thoracolumbar nerves, subcostal nerve and branches of lumbar plexus. External oblique flat muscle में सबसे largest muscle है, जो कि 5th से 12th rib पे originate होके iliac crest में अटैच होता है। इसका फंक्शन कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन ऑफ टॉर्सो है, विच मीन इट रोटेट द टॉर्सो टू द ऑपोजिट साइड। इनर्वेशन है थोरैकोलंबर नर्व्स। इंटरनल ओब्लिक प्रेजेंट होता है डीप टू द एक्सटर्नल ओब्लिक और स्मॉल और थिनर है। ओरिजिनेट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट से और अटैच होता है 10, 11, 12 रिब्स में। इसका फंक्शन होता है ये टॉर्सो को सेम साइड पे रोटेट करता है। इसकी इनर्वेशन है थोरैकोलंबर नर्व, सबकॉस्टल नर्व, ब्रांचेस ऑफ लंबर प्लेक्सिस। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस इज द डीपेस्ट ऑफ फ्लैट मसल विद ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के डीप साइड पे एक फेशिया होता है, जिसको हम ट्रांसवर्सलिस फेशिया कहते हैं। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल ओरिजिनेट होता है इंग्वाइनल कैनाल से, कॉस्टल कार्टिलेज से और ज़िफाइड प्रोसेस और लीना एल्बा में इंसर्ट होता है। इसका फंक्शन होता है कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स। इनर्वेशन इज थोरैकोलंबर नर्व्स, सबकॉस्टल नर्व एंड लंबर प्लेक्सिस। द वर्टिकल मसल आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, दैट इज द रेक्टस एब्डोमिनस एंड द pyramidalis. The rectus abdominis is a long paired muscle found either side of midline in the abdominal cavity. Rectus abdominis muscle को right और left में lina elba divide करता है। जो lateral border होते हैं
रेक्टस एब्डोमिनस मसल की, उनको हम लीनिया सेमिलूनेरिस कहते हैं। द रेक्टस एब्डोमिनस मसल ओरिजिनेट फ्रॉम क्रेस्ट ऑफ द प्यूबिस एंड इंसर्ट into the zygoid process and costal cartilage of 5, 6, 7 rib. The function of rectus abdominis muscle is to stabilize the pelvis during walking and depresses the ribs. The nerve supply is through thoracoabdominal nerves. Pyramidalis is a small triangular muscle and located inferiorly with its base on pubis bone and apex of the triangle attached to lina alba. Pyramidalis muscle originate from pubic crest and pubic symphysis and insert into lina alba. Triangular muscle hota hai. Iska function hota hai to tense the lina alba. While the nerve supply is subcostal nerve. Rectus sheath. A rectus sheath is the aponeurosis which is formed by three flat muscle and enclose the rectus abdominis and pyramidalis muscle. It has anterior and posterior wall for most of its length. The anterior wall is formed by aponeurosis of external oblique and half of internal oblique. The posterior wall is formed by aponeurosis of half of internal oblique and transversus abdominis. The demarcation point where the posterior wall and discard arcuate line. Rectus sheath ek aponeurosis hai jo ki external oblique, internal oblique aur transversus abdominis muscle milke banate hain. Ye rectus sheath rectus abdominis muscle aur pyramidalis ko enclose karta hai. Iska anterior wall hota hai aur posterior wall hota hai. Anterior wall external oblique aur हाफ ऑफ इंटरनल ओब्लिक बनाता है, जबकि पोस्टीरियर वॉल इंटरनल ओब्लिक का आधा हिस्सा और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल बनाता है। वो पॉइंट जहां पे पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट एंड होता है उसको आर्कुएट लाइन कहते हैं। दिस इज हाउ द एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल लुक फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। पहले स्किन होता है, उसके बाद कैंपस फेशिया होता है जो कि फैटी लेयर होता है, उसके बाद मेम्ब्रेनस लेयर फेशिया जिसको हम स्कारपास फेशिया कहते हैं, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, फिर इंटरनल ओब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। इसके सराउंड जो फेशिया होता है उसको फेशिया ट्रांसवर्सैलिस या ट्रांसवर्सैलिस फेशिया कहते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होती है, फिर पेराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम स्टार्ट हो जाता है। This is all about the anterior lateral wall of the abdomen. Thank you so much.